और चलिए इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री का पद छोड़ दिया है, उसके बाद अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उसके बाद ये जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा को सौंपी गई है। तो नरेंद्र सिंह तोमर की जगह लेंगे अर्जुन मुंडा। राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। इसके पहले आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने कृषि मंत्री पद छोड़ दिया है, जिसके बाद अब अर्जुन मुंडा के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। तो इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें नई दिल्ली से, ये जहां पर अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री पद छोड़ दिया है, जिसके बाद अब आलाकमान ने अर्जुन मुंडा को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनके कंधों पर अब कृषि मंत्रालय का प्रभार रहेगा, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है, उनके कंधों पर जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया। बता दें कि पहले वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो कृषि मंत्री थे, उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन अब यहां पर बदलाव हुआ है, फेरबदल हुआ है। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, राष्ट्रपति ने नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार राजीव चंद्रशेखर को सौंपा गया है। तो देखिए अर्जुन मुंडा वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर की जगह वो लेंगे। कृषि मंत्रालय का प्रभार अब उनके हाथों में रहेगा, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। राजीव चंद्रशेखर ये भी सीनियर लीडर है, और ऐसे में आलाकमान ने इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जल शक्ति मंत्रालय अब इनके हाथों में रहेगा, इनके कंधों पर जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है, जहां पर अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री पद छोड़ दिया है, इसके बाद ये जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा को दे दी गई है। बदलाव यहां पर हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अब अर्जुन मुंडा लेंगे। अर्जुन मुंडा आपको बता दें कि वरिष्ठ लीडर है, और ऐसे में उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके कंधों पर अब कृषि मंत्रालय का प्रभार रहेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए ये होना ही था, क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार की बात तो होगी ही आगे चलकर, लेकिन जिस तरह से ये परिवर्तन हुए थे, तो राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, जो प्रहलाद पटेल जी के पास था, और राज्य मंत्री के तौर पर राजीव शेखर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। और इसी तरह कृषि विभाग का, जैसा आपने बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृषि विभाग का दायित्व अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है, और शोभा करंदलाजे जो हैं उनको, राज्य मंत्री हैं ये भी, इनको प्रहलाद पटेल जी के पास जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट था, खाद्य प्रसंस्करण, उसकी जिम्मेदारी शोभा करंदलाजे को दी गई है, और राजीव शेखर जो हैं वो जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ये एक फिलहाल की गई व्यवस्था है, आगे जाकर जब कैबिनेट विस्तार होगा तो इन मंत्रियों से ये विभाग लेकर जो प्रधानमंत्री की मंशा होगी पार्टी की शीर्ष कमान के साथ विचार विमर्श के बाद, तो वो फैसला अल्प बाद में परिवर्तन की तरफ जा सकता है, लेकिन फिलहाल खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट जो है वो इनको दिया गया है, और भारती पवार जो है उनको आदिम जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जी, शुक्रिया आपका शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा।